नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। क्या आजकल आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने लगे हैं? क्या आजकल आपकी मम्मी से आपकी बात बात पर कहासुनी होने लगी है, झगड़ा होने लगा है? क्या आपकी महसूस करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो कम हो गई? ऐसे कई सवाल है जो आपके चंद्र से रिलेटेड है। अगर आपका चंद्र आपकी कुंडली में खराब हो गया है या आपका चंद्र कुंडली में कमजोर है तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्र अगर आपकी कुंडली में खराब है तो हम उसे किस प्रकार से जान सकते हैं, किस प्रकार से उसको पहचान सकते हैं कि चंद्र आपका खराब है। क्योंकि सभी लोगों को कुंडली देखना नहीं आती है, आप बहुत आसानी से कुछ लक्षणों के थ्रू जान सकते हो कि आपका चंद्र आपकी कुंडली में खराब है या नहीं, और अगर खराब है तो क्यों खराब है, और अगर खराब है तो किस तरह से हम उसको अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा मनसो जाता है, यानी चंद्रमा मन का कारक है। और वैसे भी आपको मालूम है कि सारी समस्याओं की जड़ आपका मन ही तो है, आपका मस्तिष्क ही तो है। इस मन और मस्तिष्क से ही तो सारी समस्या अंदर जाती है। वैसे भी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन से ही अगर इंसान ये सोच ले कि मैं बीमार हूं, मन से ये सोच ले कि काम मैं नहीं कर सकता हूं, तो वो नहीं करता है या वो बीमार हो ही जाता है। तो मन का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में या हमारे पूरे जो जीवन काल है उसमें मन का बहुत ही महत्व है। तो जब ये सारी समस्या मन के कारण होती है, मतलब चंद्र के कारण होती है, तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण आपके शरीर पर या आपकी जो दिनचर्या है उस पर क्या क्या आपको लक्षण दिखाएंगे, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से पता कर लोगे कि आपका चंद्रमा खराब है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि चंद्र खराब होने के क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। पहला लक्षण, घर में जल स्रोत का सूख जाना। यानी कि अगर आपके घर में कोई कुआ या बावड़ी है या कोई ट्यूबवेल आपने लगवा रखा है तो उसका पानी सूख जाता है। माता का बीमार होना। अगर आपके घर में कोई दूध देने वाला पशु है तो उसका मर जाना या आपके घर से कहीं चला जाना। अगर कुंडली में चंद्र राहु, केतु या शनि के साथ है या इनकी दृष्टि इसके ऊपर है, चंद्र के ऊपर, इससे भी आपका चंद्र खराब हो जाता है। मेमोरी पावर का कम होना, ये भी एक लक्षण है। स्त्रियों में मंथ साइकिल जो होता है उनका, वो गड़बड़ हो जाना। महसूस करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसका कम हो जाना। माता से रिश्ते खराब हो जाना, यानी बात बात पर माता से लड़ना। तरह तरह की शंका करना, किसी भी बात पे बिना वजह शंका करना। भय उत्पन्न होना, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा सोचना, यानी भय उत्पन्न होना। आंखों की बीमारी उत्पन्न होना, चाहे आंखों में किसी प्रकार की चश्मा लग जाए आपको, या कम दिखने लगे, या कुछ भी इस प्रकार की आंखों की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। ये बहुत सारे लक्षण हैं जो आपके अंदर दिखाई देंगे अगर चंद्र खराब है तो। चलिए मैं आपको हथेली के ऊपर, हाथ के ऊपर बताता हूं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका चंद्र खराब है कि नहीं। तो जैसे ये मेरा आप हाथ देख रहे हैं, और ये जो एरिया होता है ये चंद्र पर्वत कहलाता है, ठीक है। इस चंद्र पर्वत, अगर ये चंद्र पर्वत आपका दबा हुआ है, अच्छे से उठा हुआ नहीं है, तो ये चंद्र के कमजोर होने की निशानी है। साथ ही इसके ऊपर कोई धब्बे बनते हैं, कोई डॉट्स आ जाते हैं, तो भी चंद्र के खराब होने की स्थिति होती है। साथ ही कोई बहुत सारी कटी पिटी जो कटी रेखाएं बन जाती है उसके ऊपर, वो भी चंद्र के खराब होने की स्थिति है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ पे दिखाई दे रही है तो समझ जाइए कि आपका चंद्र खराब है। तो चलिए मैंने बहुत सारे आपको लक्षण बता दिए जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि आपका चंद्र खराब है या नहीं है। चलिए आपने देख ली सारी स्थिति आपके इधर दिख रही है, तो अब ये क्यों हो जाता है, चंद्र खराब होने का कारण क्या है? हमने तो अपने को ऐसा लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ खराब किया नहीं है, हमने तो ऐसे कुछ गंदे काम किए नहीं जिसके कारण चंद्र खराब हो जाता है। चलो देख लेते हैं कि खराब होने के क्या कारण होते हैं। पहला रीजन, पूर्वजों का अपमान करना। देखिए क्या होता है, जो हमारे पूर्वज जो अभी मर के स्वर्ग में चले गए, उन पूर्वजों का सही से सम्मान ना करना तो उसका अपमान करना ही होता है ना। अगर आप पूर्वजों का अपमान कर रहे हो तो भी चंद्र खराब हो जाता है, ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार करना या माता के साथ झगड़ा करना या उनका अपमान करना, ये भी चंद्र के खराब होने की सबसे खतरनाक स्थिति है। यानी कि अगर आप अपने माता का सम्मान नहीं करते हो तो इससे आपका चंद्र खराब हो गई होगा। तीसरा, परिवार के सदस्यों से धोखा करना। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी को परेशान करके या किसी को धोखा देकर, और वो भी हमारे घर के सदस्यों के साथ धोखा देकर अगर आपने कोई काम अपना बना लिया है, तो ये चंद्र खराब होने की बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप कभी भी अपने घर वालों के से तो किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर घर वालों को धोखा दे रहे हो तो इससे चंद्र आपका जरूर खराब हो जाएगा। अगर कुंडली में, जिसको कुंडली देखना आती है उनकी बात कर रहा हूँ, अगर कुंडली में चंद्र के साथ राहु, शनि या केतु साथ बैठे हैं या फिर उनकी कुदृष्टि चंद्र के ऊपर है, तो भी आपका चंद्र खराब हो जाता है।
अगर घर में जल का जो स्थान है जहां पर आप जल रखते हो या जहां से जल आप भरते हो वो अगर दूषित है, दूषित यानी किसी प्रकार की भी वहां समस्या है, वहां आप गंदा रखते हो या कुछ भी इस प्रकार की वो गलत दिशा में है, ऐसी अगर स्थिति है तो भी चंद्र खराब हो जाता है। अगर ग्रह, अगर घर में कलेश होता है, बार बार परिवार वालों के साथ झगड़ा होता है तो भी चंद्र खराब होता है। घर का आप जिस घर में आप रहते हो उसका अगर वायव्य कोण खराब है तो भी वहां पर चंद्र खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो ये कुछ कारण थे, और भी बहुत सारे कारण हैं जो कुंडली के थ्रू आप देख सकते हैं, लेकिन ये वो कारण मैंने आपको बताया जो आप आसानी से कोई भी इंसान देख सकता है, उसको कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन कारणों के थ्रू आपका चंद्रमा खराब हो सकता है। चलिए हमने देख लिया कि हमारा चंद्र खराब है और ये कारण भी जान लिया कि हाँ हो सकता है मेरे से ये गलती हो गई हो, तो आप चंद्र को ठीक कैसे कर सकते हैं, ऐसी कौन से उपाय है जिसके थ्रू हम चंद्र को ठीक कर सकते हैं, तो चलिए मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं। सबसे पहला उपाय, सोमवार का व्रत करें और शिव की आराधना करें। देखिए सोम यानी कि चंद्र, और आपको मालूम है कि चंद्र जो है भगवान शंकर का मस्तक के ऊपर रखा हुआ है, लगा हुआ है, तो अगर आप शिव की आराधना करते हो, सोमवार का व्रत करते हो, तो उससे चंद्रमा बहुत जल्दी ठीक होता है। शिव की आराधना के लिए आप किसी भी प्रकार से उनकी आराधना कर सकते हो, उनके ऊपर जल चढ़ा सकते हो, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो, रोज मंदिर जा सकते हो, कुछ भी जैसा भी आपको करना है उस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा, माँ के प्रतिदिन पैर छुए, जब भी आप घर से बाहर जाएं, मतलब जब पहली बार आप घर से बाहर जाएं तो आप माँ के पैर छू के जरूर जाएं। अगर माँ नहीं है तो कोई भी माँ समान जो महिला है आप जिसको मानते हो तो उनके भी आप पैर छू सकते हो। पानी या दूध को सिराने रखकर सोए, यानी रात में सोते समय या तो पानी अपने सिराने रख लें या दूध, सिराने का मतलब आप जहाँ सोते हो उसके बगल में रख लें, और सुबह उसको बबूल के पेड़ में डाल दें, जो बबूल का पेड़ होता है उसकी जड़ में आप उसको डाल दें, इससे भी आपका जो चंद्र है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सफ़ेद वस्तु का दान करें, उसमें चावल हो सकता है, शक्कर हो सकती है या चांदी हो सकती है, कुछ भी जो भी आपसे बन सके, सफ़ेद कपड़े हो सकते हैं, सफ़ेद वस्तु का अगर आप दान करते हो तो भी चंद्रमा के ठीक होने की बहुत अच्छी संभावना होती है। एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूँ कि चांदनी रात में, जब बहुत चांदनी रात हो उस समय आप मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ छत पे जाइए या बाहर टहलिए, लेकिन चांदनी रात होना चाहिए, और उसमें आप चाहें तो इस प्रकार से मम्मी के हाथ में हाथ ऐसे रख के और आप टहलेंगे या बैठेंगे तो उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। या फिर आप अपनी मम्मी की गोद में भी बैठ सकते हैं या अपनी मम्मी के गोद में अपना सर रखकर भी थोड़ी देर वहाँ पे सो सकते हैं। तो अगर ये चांदनी रात में करोगे तो उससे आपका चंद्रमा जरूर ठीक हो जाएगा। वृद्ध महिलाएं, जो बूढ़ी स्त्री होती है, वृद्ध महिलाएं, माता, दादी, नानी, इनकी अगर आप सेवा करते हो तो भी इससे चंद्रमा ठीक होता है। सोमवार के दिन ध्यान रखें, वैसे तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन सोमवार के दिन अगर सफ़ेद वस्तु का आप दान करते हो तो इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। इसके अलावा बहुत सारे उपाय है, आप अपनी रिंग फिंगर के ऊपर मोती धारण कर सकते हो, आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनमें आप पैसा खर्च करके आप उस उपाय को कर सकते हो, लेकिन मैंने वो उपाय बताए बहुत ही इजी है और आप बहुत आसानी से कर भी सकते हो अपनी थोड़ी सी आदत बदल कर, या फिर आप और दूसरे उपाय करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो इन्हीं की सलाह दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मंगल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शुक्र इन चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। अगला वीडियो मेरा जो होगा वो मंगल के बारे में होगा, कि मंगल को कैसे पहचान सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है, खराब है तो क्यों खराब है, और अगर वो खराब है तो उसे किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए मेरा अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।